तो अभी प्रिया स्लिप होके आएगी, आपको दिखाते हैं एक बढ़िया सा स्टंट। आपने किसी भी ब्लॉग में प्रिया को गिरते हुए नहीं देखा ना, आज दिखाऊंगा मैं आपको प्रिया को गिरते हुए। ये होटल है ना सर, आगे सिंधोली चौक आएगा, आगे ढलिया है। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज हमारा रोड ट्रिप का डे टू है और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स नारकंडा। हाथ नहीं पहुंच रहा मेरा, नारकंडा जा रहे हैं। सो फटाफट से चलते हैं यहाँ से। ये हमारा होटल था, यहाँ से देख लो एक बार। अच्छा होटल अच्छा नहीं था, लुक अच्छी नहीं थी, लेकिन खाना बहुत बढ़िया था, तो कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आया एट द एंड। सो अभी जस्ट सब कुछ कैमरा वैमरा सब रेडी, ऑल रेडी, ऑल सेट, रेडी प्रिया। सो यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा लगता ही है। यहाँ पे जो यहाँ से हम उतर रहे हैं, ये बेसिकली इस तरह से लगता है जैसे आप वैष्णो देवी से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। कल हम चढ़ाई चल रहे थे, आज हमारी चढ़ाई है। एक्चुअली जो मैं पहन के आया था घर से जीन्स, उसमें थे वो थे बेसिकली जॉगर्स, जिस वजह से मेरी बेल्ट घर पे रह गई, और बिना बेल्ट के आप समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम होती है। सो जस्ट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा, हो गया। प्रिया का सजेशन, बाइक चलाते हुए पेंट गिरने का पता नहीं लगेगा। चलना थोड़ी ना, बाइक ही तो चलानी है। सो नारकंडा की बात करें, नारकंडा यहाँ से यह है 60 किलोमीटर, जो अप्रॉक्सीमेटली हमें टाइम लगेगा 1.5 से 2 घंटे, ठीक है, अगर ट्रैफिक ना मिला। बाकी बढ़िया है, पहले एक्साइटमेंट नहीं थी, पर अब एक्साइटमेंट होगी जाने के लिए। हाँ, पहले प्रिया की एक्साइटमेंट। एक्चुअली होटल के अंदर जब सुस्ती आई हुई थी ना, सो रहे थे तो उठे नहीं, तो बड़ी देर बाद उठे तो मैंने कहा बस चल अब तू, और मौसम देखा तो एकदम बढ़िया धूप कड़ाके की निकली हुई है, तो मज़ेदार सीन था। जो भैया यहाँ पे खड़े होके बना रहे हैं, अपना स्टॉल चला रहे हैं, या कसम से हिम्मत है, यहाँ पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता जहाँ पे उन्होंने खड़े होके ये सब बना रहे हैं। देख लो एक बार दोबारा। थोड़ी सी पेट पूजा हो गई, ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी, तो हमने जस्ट मैगी खाए, थोड़े थोड़े मैगी खाए, प्रिया ने छोले कुलचे खाए। तक मैं वीडियो ऑन करी, प्रिया चपड़ कर गई पूरा, सारे छोले कुलचे खा गई, मुझे टेस्ट भी नहीं कराया, फिर मेरा दोबारा खाने का मन नहीं किया, मैगी खा लिए। अभी हम हैं कुफरी में, बट हम यहाँ रुकने का प्लान नहीं है, क्योंकि रीज़न क्या है कि हमें और आगे जाना है नारकंडा, तो हम सीधा वहीं जा रहे हैं। आप लोग कुछ बहुत अच्छे शॉट्स देखोगे प्रिया की नज़र से, मतलब कि प्रिया के ब्लॉगिंग कैमरा से, तो जस्ट देखो एक बार फटाफट से, बहुत बढ़िया बना रही है, व्यू अच्छा है बहुत, तो मैं बाइक चला रहा हूँ, प्रिया साथ में अच्छे अच्छे शॉट्स ले रही है। बहुत पुरानी बात बताता हूँ आप लोगों को, जब मैं छोटा था बड़ी शरारत करता था, नहीं तो था क्या, बेसिकली हम गए थे मनाली, बहुत पहले की बात है ये, मनाली गए थे, तो जो हमारा ड्राइवर था तो फैमिली के साथ थी, कुछ फ्रेंड्स लोग के साथ था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मेरे को वो वाले चोटी पे लेके चल,
वो कहता है चलो ठीक है, उसको पता था वहाँ का रूट, वो मुझे वहाँ ले गया। वहाँ से मुझे एक और चोटी दिखाई थी, मैंने कहा भाई मुझे वहाँ तक जा सकते हैं हम, ज़्यादा ऊँची नहीं थी तो कोई रूट था वहाँ का, वो मुझे ले गया। वहाँ से एक और चोटी दिखाई दी तो वो हंस के कहता भैया आप चोटियों का कोई एंड नहीं है, जहाँ भी आप देखोगे आपको नई चोटी दिखेगी, आप ये नहीं कह सकते कि एंड पॉइंट कौन सा है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है ऐसी चोटियों पे आपको घूमने का। तो बहुत अच्छी बात थी, बस आपसे शेयर करना चाहता था, शेयर कर दी। अगर अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी हो तो और अच्छी बात है। तो अभी जस्ट हमारा नारकंडा रह गया, हमारा तीन से चार किलोमीटर बस हम पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंचते हैं और देखते हैं क्या सीन है वहां का। लो जी हल्की सी स्नो, अभी हम नारकंडा पहुंच गए हैं, देख लो व्यू। तो अभी जो उनकी छत है कई जगह पे स्नो भी पड़ी हुई है, अच्छी खासी स्नो है। अभी पहले हमने कुछ खाना है, पेट पूजा बहुत लग रही है, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद चलते हैं आपको बढ़िया से स्नो दिखाने और बढ़िया से आपको ड्रोन शॉट्स दिखाने। तो फटाफट से चलते हैं हम, प्रिया बैठी हुई है अंदर, वहाँ पे हम पहले अपना पहले दिखाते हैं आपको एक राइडिंग के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो सबके फेवरेट, हमारे भी फेवरेट जेएस भैया, जेसन भाजी। सो यहीं पे हम लगाएंगे अपना। सबके साथ साथ यहाँ पे अपना भी नाम चलेगा एक अलग से, आगे से इसके आगे भरे जाएंगे अब। तो फटाफट से कुछ खाते हैं, पहले पेट पूजा करेंगे उसके बाद चलते हैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखाने। हाटू टेंपल के लिए जो हम जा रहे हैं, तो नारकंडा से 7 किलोमीटर है और यहाँ से पूरी पूरी चढ़ाई है जो हम चल रहे हैं और ये पूरी ऑफ रोडिंग है। निकाल दो सर इधर से, आप सर निकाल दो। तो कोई गाड़ी आएगी नहीं तो आपको पास दे दिए हम, इसीलिए आप इधर से ले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। जाने जाने कुछ नहीं नहीं कोई नहीं, आओ हल्का सा आप लोग ना, हाथ हाथ को ले जाना, इन साइड में रहता ही है मैम, अब तो करना पड़ेगा। अरे भाई इधर से नीचे आना, कोई दिक्कत नहीं, जब खुल जाएगा उसके बाद। सो अभी बहुत मुश्किल हो रही है ऊपर जाने में, स्नो बहुत ज्यादा ऊपर, तो अगर हम चले भी जाते हैं तो यहाँ से हार्डली सिर्फ 2 किलोमीटर जा पाएंगे, उसके बाद आगे बंद है सारा रास्ता, आगे हम नहीं जा पाएंगे। आगे जाने के लिए स्नो चेन की ज़रूरत है और स्नो गाड़ी चल जाएगी, स्लिप कर रही है बहुत ज़्यादा, बहुत स्लिप कर रही है। तो बहुत दिक्कत हो रही है, पर दिक्कत बाइक चलाने के लिए नहीं है, दिक्कत क्या है बाइक चलेगी नहीं, बाइक स्किट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, यहाँ पे स्नो देख लो आप, थल्ले चलिए ग्राउंड पे हैं प्रिया, बहुत पता चक्कर की है, वो कह रहा है कि पहले आपको 2 किलोमीटर, अभी 2 किलोमीटर से तब जा पाओगे, तो उसके बाद 2 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर फायदा नहीं उस चीज़ का है ना। स
सो हमने प्लान किया है। बेसिकली होता क्या है, जब स्नो चेन हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बट हमने प्लान किया है कि ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है, तो ऊपर एक चले हैं थोड़ा स्नो ट्रैकिंग करने। चल भी प्रिया, स्लिपरी है ऊपर? हाँ बहुत है। अच्छा ज्यादा ऊपर नहीं जाइए ना। अच्छा ट्रैकिंग वाले शो कोई दिक्कत नहीं, तेरे तो स्लिप ही नहीं जान गए। पजी ना पता, वुडलैंड तो इन्ना भरोसा नहीं करीदा। स्लिप होके आ जा। सो भी प्रिया स्लिप होके आएगी, आपको दिखाते एक बढ़िया सा स्टंट। नहीं नहीं प्रिया करेगी, प्रिया करेगी। अरे देख ऐ है ना, ऐसे पार ना ला जा फड़। आपने किसी भी ब्लॉग में प्रिया को गिरते हुए नहीं देखा ना, आज दिखाऊंगा मैं आपको प्रिया को गिरते हुए। प्रिया गिर जा। तो चलो यहाँ से अब हम चलते हैं नीचे, और नीचे नारकंडा पे एक बहुत बढ़िया सा ग्राउंड है, वहां पे चलते हैं। भैया दिखाता हूँ, जो यहाँ पे कैमरा हर वक्त ऑन होना चाहिए। अभी भैया गिरे, बहुत बुरी तरह से स्लिप हुआ है। यहाँ से आ जाओ सर, नहीं होगा। ये देख लो गिरी हुई प्रिया। अभी तो कह रही थी ना मेरे बूट नहीं गिरेंगे। आराम से आ जाओ, मैं हाथ फड़ा दो ना। यहाँ से हो ना, ये भी गिरे। अभी जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रिया को आपने आपको गिरती हुई प्रिया नहीं देखी, तो आज शायद आपने देख ली होगी गिरती हुई प्रिया। जो राइड होती है एक छोटी सी, वो करने के लिए ऊपर जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ बढ़िया सा शॉट। पहले मैं करूँगा, फिर प्रिया जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर पहुँच जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पहुँचने में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लग जाती है हमारी। इसको कहते हैं आत्महत्या। ओ माय गॉड। तो चलते हैं फटाफट से बाइक के पास और फिर निकलते हैं आगे के लिए। अभी ही हम वापस माल रोड पे आ गए हैं, बट आपको वापसी में कुछ नहीं व्यू दिखा पाए। इसका रीज़न क्या था, बेसिकली हुआ क्या कि मेरा पावर बैंक रह गया था होटल में, और सब कुछ सामान हम ले गए थे, पावर बैंक नहीं लेके गए थे। सो जिस वजह से रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई और आगे के ब्लॉग बना नहीं पाए।
थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी वो आपको हमने दिखा दी। बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे चर्च दिखा है, तो मैं एक काम करता हूँ आपको पहले चर्च की वीडियो दिखाता हूँ। एक बार ये वीडियो देखो, चर्च ये रहा पूरा चर्च, काफ़ी ऊँचा है और बढ़िया लग रहा है। ये बात किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए है कि यार अगर तुम नहीं कर सकते तो ये मत सोचो कि कोई नहीं कर सकता। अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो वो समझ जाएगा। तो किसी को डिमोटिवेट मत कर, तू नहीं कर रहा, तुझसे नहीं हो रहा, तेरा इशू है, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते या दूसरों को डिमोटिवेट मत कर। अभी आइसक्रीम वाइसक्रीम सब कुछ हो चुकी है, डेविड को एंड हो चुका है और एक जो चर्च दिखाया था यहाँ से भी दिखता है हमारे। सो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कल के दिन पे। टिल देन बाय बाय। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दो, बढ़िया सा शेयर कर दो अपने यारों दोस्तों को, जितनों को कर सकते हो। कमेंट कर दो सबसे अच्छा सीन क्या लगा। बाकी कल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जसप्रीत बाय, टेक केयर, बाय।